एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी में पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, दूसरा फॉर्मूला वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि हमने किया था सरफेस टेंशन क्या होता है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो पहला क्वेश्चन है अ वायर रिंग ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, एक रिंग है 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, नेक्स्ट है एंड देन रेज, मैंने इसको उठा दिया, पुल रिक्वायर्ड इज 3.03 ग्राम या ग्राम वेट कुछ भी बोल सकते हो, इतना पुल मुझे लगाना पड़ा, इतनी फोर्स लगानी पड़ी बिफोर द फिल्म ब्रेक, फिल्म ब्रेक का मतलब ऊपर फिल्म बनी हुई थी, फिल्म बनी हुई थी इसका मतलब क्या है उसमें सरफेस टेंशन थी, सरफेस टेंशन थी तो मैंने जो फोर्स लगाई वो अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगाई, तो फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो रूल नंबर वन, मैंने सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी लगाई, तो सरफेस टेंशन होती क्या है फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लेंथ, राइट तो लेंथ क्या होगी एक रिंग है, एक रिंग जिसका रेडियस आर है, तो लेंथ क्या होगी इसकी 2πr इनटू 2, इंपॉर्टेंट रिंग अंदर से खाली है, तो जो रिंग अंदर से खाली है तो इसके अंदर की लेंथ भी लेनी है और उसी तरीके से इसके बाहर की लेंथ भी लेनी है, रिंग के बाहर भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और रिंग के अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो डबल लेंथ लेनी है 2πr + 2πr, तो यहां पर टोटल लेंथ क्या होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा इंटू 2πr × 2, तो जब भी रिंग आएगी रिंग को पानी की फिल्म से उठाने तो आपको जो फोर्स लगानी पड़ती है वो क्या होगी सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, लेंथ में 2πr नहीं होगा, रिंग में क्या होगा 2πr और 2πr का ट्वाइस होगा, तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। और ये फोर्स किसको बैलेंस, ये फोर्स किसके इक्वल है क्वेश्चन में गिवन है 3.03 ग्राम, तो इसको जी से मल्टीप्लाई किया 980, तो क्या आएगा आपके पास टाइम्स में आएगी, तो सिग्मा की वैल्यू सीजीएस में कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाई 3.03 के इक्वलेंट ये किसको ब्रेक करने के लिए लगाई फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इक्वेट करके आंसर। तो मेन इसमें पॉइंट क्या था कि आपके पास एक रिंग है, रिंग का रेडियस आर है, रिंग के अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं सर्कमफ्रेंस पे और रिंग के बाहर भी सर्कमफ्रेंस पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल लेंथ क्या लेनी है अंदर भी 2πr और बाहर भी 2πr, तो 2πr + 2πr 2 × 2πr, बस यही इसमें मेन है 2 × 2πr, ये फोर्स आ गई सरफेस टेंशन की और ये फोर्स आपने कितनी लगाई 3.03 ग्राम, इसको जी से मल्टीप्लाई किया इतने फोर्स के इक्विवेलेंट लगाई, इसको इक्वेट करके सिग्मा कैन बी कैलकुलेटेड ऐसे। क्वेश्चन नंबर 73, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग, हाँ पहले वाले में आर का फर्क पड़ेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम लिया जाता है, थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक तो इसमें एक ही रेडियस गिवन है तो आपने एक ही रेडियस का काम चला लेना है, अगर दो गिवन होती मोटी रिंग होती अंदर का 2 बाहर का 3 फिर 2πr1 2πr2 ऐड कर देते, तो इसमें कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, अपने मुंह से सोप बबल फुलाना है आपने, तो आपने इसको फुलाने में कितना वर्क डन किया और कहां से कहां फुलाना है 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर फुलाना है, तो आपका रेडियस इनिशियल कितना है r1 2 सेंटीमीटर, फाइनल कितना है 3 सेंटीमीटर, फाइंड सरफेस टेंशन, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन आपको गिवन है। देखो इसमें साफ पता लग रहा है क्या लगेगा, फॉर्मूला सिग्मा इज अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो वर्क डन क्या होगा सिग्मा इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो ये फॉर्मूला क्लियर है यहां तक, सिग्मा तो मुझे गिवन नहीं है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया आपका ये क्या, ये ड्रॉप है कि बबल है, ये बबल है, बबल का रेडियस कितना है r1 से 2 से 3, तो इंक्रीज इन एरिया कितना है 4πr2² - 4πr1² अब इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा क्योंकि बबल है, देखो बबल के अंदर भी हवा है बबल के बाहर भी एयर है, तो बबल के अंदर भी फ्री सरफेस है और बाहर भी फ्री सरफेस है, राइट क्लियर है, तो बबल के अंदर भी सरफेस टेंशन है और बाहर भी सरफेस टेंशन है, तो बबल का अंदर का एरिया भी चेंज हो रहा है अलग से और बाहर का एरिया भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए एरिया को भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चेक करो इंक्रीज इन एरिया आउटर एरिया माइनस इनर एरिया को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना, तो बबल वाले केस में जब आप एरियाज कैलकुलेट करते हो इंक्रीज इन एरिया तो हमेशा ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर अगर यही क्वेश्चन ड्रॉप में होता पानी का ड्रॉप फुलाया फिर एक से, क्यों क्योंकि पानी के ड्रॉप के अंदर अंदर पानी और बाहर एयर है तो एक ही एरिया इंक्रीज होगा क्योंकि एक फ्री सरफेस है एक ही सरफेस टेंशन है,
बबल में हमेशा टू से मल्टीप्लाई करना है, ड्रॉप में सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए बबल में जो इंक्रीज इन एरिया है उसको टू से मल्टीप्लाई किया। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है यहां तक? तो टू से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, सिग्मा इंटू इंक्रीज इन एरिया मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक, तो बबल में ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, क्योंकि बबल के अंदर का एरिया अलग माना जाएगा इंक्रीज और बाहर अलग माना जाएगा इंक्रीज। फिर देखते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज गिवन, टी गिवन है या सिग्मा गिवन है, हाउ मच वर्क इज डन टू प्रोड्यूस अ सोप बबल ऑफ रेडियस 0.05 मीटर। तो रेडियस की वैल्यू वो देगा आपको, ठीक है। तो ये रेडियस कितने कहां से फुला, जीरो से, तो रेडियस जीरो से आर हुआ। देखो पहले बबल का रेडियस क्या था, देखो इसे ये तो कहा नहीं दो से तीन कर दो, पहले रेडियस क्या था, जीरो था ही नहीं, अब रेडियस कितना है आर, तो इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ, फोर बाय आर स्क्वायर माइनस जीरो। अब रेडियस कितना है, फोर बाय आर स्क्वायर, एरिया फोर बाय आर स्क्वायर और पहले क्या था जीरो। तो ये देखो, तो वर्क डन क्या है, सिग्मा इनटू टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सिग्मा पता है एरिया, फिर से बबल है, तो बबल का अंदर भी एरिया फोर पाई आर स्क्वायर बढ़ा और बबल के बाहर भी फोर पाई आर स्क्वायर बढ़ा, तो इसको रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से। तो ये स्टेप भी क्लियर है, ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। 75th क्वेश्चन पढ़े। है एक लिक्विड ड्रॉप है, एक ध्यान से, अब लिक्विड का बबल नहीं है, अब लिक्विड का ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप है जिसका डायमीटर डी है। हमने क्या किया, ब्रेक्स अप इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स, हमने 27 ड्रॉप में तोड़ दिया इसे। आगे जो हमने छोटे ड्रॉप बनाए उसका रेडियस क्या है मालूम नहीं, पर हाँ इतना पता है कि बड़ा डायमीटर का जो ड्रॉप है उसको तोड़कर छोटे छोटे बना दिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब बड़ा ड्रॉप छोटे में कन्वर्ट होगा वॉल्यूम ऑफ ऑल ड्रॉप्स विल रिमेन सेम, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम और छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम को इक्वेट किया जा सकता है। तो वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, फाइंड रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। देखो रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी बोल सकते हो, या ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन। वो जो वर्क डन है वही रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी मानी जाएगी। अब वर्क डन निकाल दो, तो सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो एक बात बताओ बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, कैपिटल डी बाई टू, छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना है, छोटा आर। वॉल्यूम इक्वेट कर दें, तो वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तो 27 ड्रॉप्स टूटे, एक का रेडियस मान लो छोटा आर है, तो 27 ड्रॉप का वॉल्यूम इस बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर को डायमीटर बाई टू, क्योंकि बड़े ड्रॉप का डायमीटर गिवन है। तो यहां से सॉल्व करके आपने छोटे ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया डी बाई सिक्स। क्या स्टेप क्लियर है, छोटे ड्रॉप का रेडियस आ गया वॉल्यूम को इक्वेट करके। नेक्स्ट स्टेप है, अब जो बड़ा ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर को डायमीटर बाय 2, बड़े ड्रॉप का एरिया आ गया। क्लियर है यहां तक? 27 ड्रॉप का एरिया क्या होगा, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर को क्या पुट कर सकते हैं, डी बाय 6, ये आ गया। तो ये 27 ड्रॉप का एरिया बड़ा है और बड़े ड्रॉप का एरिया छोटा है, तो चेंज इन एरिया कितना आ गया, इतना माइनस कर लिया, तो चेंज इन एरिया आ गया। तो आपको क्या करना है, चेंज इन एनर्जी या वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, इंक्रीज इन जो भी सरफेस टेंशन है और इनटू इंक्रीज इन एरिया, एरिया का चेंज हमारे पास है, इसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करके वर्क डन या एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ गई। मेथड समझ में आ रहा है? और ये क्योंकि ड्रॉप है, ड्रॉप में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना एरिया के चेंज को, अगर ये बबल होता फिर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते। ठीक, क्वेश्चन 76,
क्वेश्चन क्या है, मरकरी ड्रॉप जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो मरकरी का ड्रॉप है और रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर रेडियस, बड़ा ड्रॉप है इसका मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इस स्प्रेड इनटू 10 की पावर 6 ड्रॉपलेट्स, ये कैसे इतने ड्रॉप तोड़ दिए, 10 की पावर 6 10 लाख ड्रॉप तोड़ दिए इसने, तोड़ सकता है कैसे, आपने स्प्रेइंग मशीन देखी है, पेंट होता है जिससे, तो उसमें छींटे निकलते हैं, तो वही तो है, पेंट डालो और ड्रॉपलेट्स लो जितने मर्जी, तो मशीन क्या है 10 की पावर 6 ड्रॉपलेट्स निकाल देगी, ठीक है, तो इसने तोड़ दिए। आगे कैलकुलेट एनर्जी एक्सपेंडेड, भाई ड्रॉप तोड़ने में वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन करने का मतलब एनर्जी खर्चनी पड़ती है, ये वगैरह कितनी एनर्जी खर्ची आपने, कितना वर्क डन किया ये निकालो, और सरफेस टेंशन आपको गिवन है। रूल नंबर वन, जब आपका बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में टूटेगा तो वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं, आपको बड़े ड्रॉप का रेडियस गिवन है छोटे का निकाल लें, तो इक्वेट करो 10 की पावर 6 छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, तो आपको बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम पता है, छोटे का आ जाएगा अपने आप आंसर, तो छोटे का रेडियस आ गया, पहला स्टेप क्लियर है वॉल्यूम इक्वेट करके, बड़े ड्रॉप का एरिया कितना है 4π R², छोटे का कितना है 10 की पावर 6 4π r², दोनों एरिया निकाल लिया, दोनों को माइनस किया, चेंज इन एरिया आ गया, चेंज इन एरिया आ गया, चेंज इन एरिया को सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई किया, वर्क डन की वैल्यू आ गई आंसर, आखिरी स्टेप तो वही है, सिग्मा को चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन की वैल्यू आ गई, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो हर क्वेश्चन एक जैसे चल रहा है, इसमें चेंज इन एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 77 रिपीट है, 10 की पावर 6 ड्रॉपलेट्स कीजिएगा, इस बार कितने ड्रॉपलेट्स है तो लिखो, होमवर्क है ये, रिपीट है होमवर्क, 78 करो, क्वेश्चन है 2 soap bubbles इन वैक्यूम, 2 soap bubbles वैक्यूम में हैविंग रेडियस 3 और 4, तो रेडियस गिवन है 3 और 4, इसका मतलब है कंबाइन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मिल गए कंबाइन हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, जब दो ड्रॉप्स मिलते हैं ना, जब दो ड्रॉप्स मिलते हैं तो वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, जब दो बबल्स मिलते हैं वॉल्यूम कभी इक्वेट नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता दो वॉल्यूम दो बबल का एक बबल बन गया वॉल्यूम इक्वेट कर दिया हवा का, नहीं ऐसा होता ही नहीं, तो याद रखना बबल कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम को इक्वेट नहीं करना, ड्रॉप्स कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम को इक्वेट करना है, इसमें क्या करना है बताता हूं, तो कह रहा है कि ये बबल्स मिल गए और एक सिंगल बबल बन गया, एक नया बबल बन गया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यू बबल, तो नए बबल का रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन है, तो रूल नंबर वन, इसके अंदर जब फर्स्ट बबल बना, मैंने फर्स्ट बबल बनाया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, तो एनर्जी स्टोर क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू उसका सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया पहले 0 था, तो जब ये बबल बना उसका एरिया कितना है 4π R1², और क्योंकि बबल है तो एरिया अंदर भी और एरिया बाहर भी है, तो दो बार एरिया से मल्टीप्लाई किया इनटू सिग्मा, तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड है फर्स्ट बबल के अंदर इसको बनाने के लिए, सेकेंड बबल को बनाने के लिए R1 की जगह R2 एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये पहला बबल बनाया तो इतनी एनर्जी स्टोर है, दूसरा बबल बनाया तो इतनी एनर्जी स्टोर है, और अगर सिंगल बबल बने तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, R1 R2 की जगह R पुट कर दिया, अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है, आपने दो बबल मिला के एक बबल बनाने, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन जो पहले बबल की एनर्जी थी और जो दूसरे बबल की एनर्जी है और जो नए बबल की एनर्जी है, इनका सम नए बबल की एनर्जी के इक्वल होगा, तो आपने ये रूल लगाना है बबल कॉम्बिनेशन में, तो यहां से सिग्मा सिग्मा 8π 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 सब कैंसिल, ये आंसर आ गया, इसको बॉक्स में डाल दो, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधा काम आ जाता है, R² is R1² + R2², जब बबल कंबाइन होती है वैक्यूम में तो सीधा लगा देना R² जो नए बबल का रेडियस है उसका स्क्वायर इज R1² + R2².
बेसिकली एनर्जी स्टोर का कॉन्सेप्ट है, इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपने बबल बनाया, उसमें जो आपने वर्क डन किया मान लो बनाने में, फिर दूसरा बनाया उसमें वर्क डन किया, फिर आप चाहते हो ये दो ना बनाएं, दो की जगह एक बनाएं, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी लगेगी, जितनी दोनों में लगी थी। तो दो टोटल वर्क डन इतने, इंडिविजुअल वर्क डन इतने, इनको इक्वेट कर देना, क्योंकि वर्क डन तो उतना ही लगेगा। ऐसे वॉल्यूम इक्वेट नहीं करते एयर की, नहीं करते इसमें वैक्यूम में, पहली बात तो। ओके, क्वेश्चन है, इफ 500 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ आर, तो मैंने एक बबल को फुलाया और कितना आर रेडियस तक, तो मेरा कितना वर्क डन लगा, 500 अर्ग्स का वर्क डन करना पड़ा। व्हाट एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड, मुझे और कितना काम करना पड़ेगा टू बी डन टू ब्लो द रेडियस इक्वल टू 3R। अब आर तो वो बन ही चुका, आर से कितना करना है आगे 3R। तो एक बात बताओ, अगर वर्क डन जीरो से आर करना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया 4πr² अंदर का है, बाहर का भी एग्जैक्टली सेम, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी इसमें, सिग्मा इनटू 2 × 4πr². पहला स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है। जब एक बबल बनता है जीरो रेडियस से आर रेडियस का, तो चेंज इन एरिया क्या होता है, 4πr² - 0। तो चेंज इन एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आ गया, क्योंकि हमने ये भी किया ना, अभी हम अभी इसमें क्या लगा रहे हैं, हम हर के अंदर एक ही तो न्यूमेरिक, एक ही कॉन्सेप्ट तो लगा रहे हैं कि वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो वर्क डन क्या है, सरफेस टेंशन टू इंक्रीज इन एरिया। तो ये देखो सीधा लगा दिया, ये रहा सरफेस टेंशन टू इंक्रीज इन एरिया, बबल है तो एरिया डबल लेना पड़ेगा। अब दूसरे केस में, दूसरे केस में ये पहला पहला वर्क डन है, दूसरे केस में रेडियस कहां से कहां करना है, आर से 3R, तो इंक्रीज इन एरिया कितना, 4π3R² - 4π r², लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर बबल है, और अगर बबल है तो एरिया डबल लेना पड़ेगा। तो ये डब्ल्यू डैश वर्क डन है, माइनस करके आ गया, इसको और इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके सब कैंसिल करके 8 आ गया। हमें ये वर्क डन गिवन है कितना, 500 अर्ग, तो नया वर्क डन कितना आएगा, 4000 अर्ग। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक आंसर। 80th क्वेश्चन देखिए प्लीज।
क्वेश्चन में नहीं, इसको अब बाद में करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसकी जगह ना आप क्वेश्चन ये वाला करो, 81 करो, उसको ना अलग शीट में करवाऊंगा, आने वाली शीट में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। इसको करो, ग्लास प्लेट जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो एक ग्लास प्लेट है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ गिवन है और थिकनेस भी गिवन है, और क्यूबॉइड टाइप लग रही है, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस, ठीक है। वेट 20 ग्राम इन एयर, हवा में इसका वेट कितना है 20 ग्राम है। इट इज हेल्ड वर्टिकली अलोंग अ लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल, 10 सेंटीमीटर की साइड हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ी हुई है, लंबी साइड हॉरिजॉन्टल है। एंड हाफ द प्लेट इज इमर्स्ड इन वाटर, आधी पानी में ये प्लेट, यानी कि आधी पानी में तैर रही है और आधी हवा में, राइट। इसके बाद व्हाट इज द अपेरेंट वेट ऑफ द प्लेट, सरफेस टेंशन गिवन है, तो अपेरेंट वेट निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर पानी में किसी भी चीज को लेके जाओगे, फ्लोट कर रही है, और वहां पर एक्चुअल वेट अगर 20 g है, तो इसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, एक तो वो निकलेगा, और ऊपर से वो कह रहा है कि खड़ा हुआ पानी है, तभी तो सरफेस टेंशन गिवन है, तो सरफेस टेंशन की फोर्स भी लगेगी, पानी के मॉलिक्यूल पानी को खींचेंगे, उस चक्कर में ये क्यूबॉइड को भी खींच लेंगे, तो वो भी फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, तो नेट वेट क्या होगा। हम एक डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, अपवर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, डाउनवर्ड में से अपवर्ड को माइनस कर देंगे, नेट वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, एक तो एक्चुअल, चलो ये देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस ऐड करते हैं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या ऐड करेगा इसका, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट कितने है, mg, 20 × 980 डाइंस, कहां पर, वर्टिकली डाउनवर्ड, काम खत्म। दूसरा इसके ऊपर एक्ट करेगा अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट क्या होता है, 0 g, वॉल्यूम कितना ले, आधा वॉल्यूम इसका, इस पूरे क्यूबॉइड का आधा वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि आधा पानी के अंदर इमर्स्ड है, तो आधे के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, एल इंटू ये जो हाइट है इसको, ब्रेड्थ को डिवाइड बाय 2 कर दिया, और टी तो पूरा लिया, तो यानी कि टोटल वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, पानी की डेंसिटी सीजीएस में 1 होती है और जी 980, सॉल्व करके अब थ्रस्ट भी आ गया, एक आ गया एक्चुअल वेट, एक आ गया एक्चुअल वेट, एक आ गया अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट की डायरेक्शन कहां होगी, नीचे की ऊपर, ऊपर, क्लियर है यहां तक। तीसरी फोर्स सरफेस टेंशन की फोर्स, वैसे लेते नहीं है, आर्कमिडीज में ली नहीं थी, पर इस क्वेश्चन में क्योंकि सरफेस टेंशन गिवन है, तो अपने को वो फोर्स भी कंसिडर करनी पड़ेगी। अब पानी के मॉलिक्यूल को नीचे खींचते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर सर्फेस टेंशन की फोर्स निकालनी पड़ेगी, जो कि सिग्मा इंटू लेंथ है। अब लेंथ क्या ले, लास्ट टाइम सिखाया था ये बाउंड्री, जहां जहां पानी दिख रहा है, दिस लेंथ, दिस, दिस एंड दिस, ये चार 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 चीजें आएंगी, क्या, सिग्मा इंटू लेंथ, लेंथ की जगह 2 × लेंथ × थिकनेस, ये से लेंथ बोल रहा है और ये से थिकनेस बोल रहा है, तो लेंथ थिकनेस, लेंथ थिकनेस, तो ये बाउंड्री लेनी पड़ेगी अपने को, जहां जहां वाटर है, तो सिग्मा इंटू टोटल सर्कमफ्रेंस, और इसकी डायरेक्शन कहां आएगी, डाउनवर्ड। वेट कहां ऐड करता था, डाउनवर्ड। सरफेस टेंशन की फोर्स कहां ऐड करती है, डाउनवर्ड। अप थ्रस्ट कहां ऐड करता है, अपवर्ड, तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड में से अप थ्रस्ट फोर्स को माइनस नेट वेट आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है, ये घर जाके एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं आपने सारा, और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है इसमें, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक। क्वेश्चन, हाँ ये करेंगे 82, क्वेश्चन है, देखो, इफ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा ऑल ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, अब छोटे छोटे ड्रॉप्स सिंगल ड्रॉप में बनेंगे, ऐसा करने में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता, ऐसा करने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, सिंगल ड्रॉप की एनर्जी रिलीज होती है, सिंगल ड्रॉप की एनर्जी रिलीज हुई,
एंड कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला था ना कई बार वो ड्रॉप भागता है, लास्ट टाइम बताया था। तो बड़े ड्रॉप को जो एनर्जी मिली रिलीज होके वो किसमें कन्वर्ट हो गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको वेलोसिटी बताना है कि कितनी वेलोसिटी से बड़ा ड्रॉप भाग रहा है। रूल नंबर वन, छोटे ड्रॉप का रेडियस पता नहीं कितना है, बड़े ड्रॉप का कैपिटल आर है। पहला काम वॉल्यूम इक्वेट करो, ड्रॉप्स में वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं। तो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, मान लो एन ड्रॉप्स में वो ब्रेक हो गया, तो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इज एन इंटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम। तो यहां से क्या आ गया, एन आ गया। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां से एन की वैल्यू आ गई। जो बड़ा ड्रॉप है उसका मास क्या हो गया, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पानी की डेंसिटी सीजीएस में क्या होती है, वन। तो ये आपके पास मास आ गया। अब जब ये मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, वर्क डन निकाल रहे हैं, एनर्जी रिलीज क्या होगी, सरफेस टेंशन इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। क्योंकि बड़ा ड्रॉप बना है, छोटे ड्रॉप का एरिया बड़ा है और बड़ा ड्रॉप का छोटा एरिया है, तो एरिया इसमें डिक्रीज बनना चाहता है। तो चलो चेंज इन एरिया बोल दो, तो बड़े छोटे छोटे ड्रॉप्स का एरिया तो बड़ा ही होगा, एन इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बड़े ड्रॉप का क्या होगा, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये स्टेप क्लियर है, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एनर्जी रिलीज आ गई। क्लियर है यहां तक? तो एनर्जी रिलीज है, इसमें से काम करो एन को आर क्यूब बाई आर क्यूब यहां पुट कर दो, एन को। तो एन को यहां पुट करेंगे, ये टर्म आ गई। यहां से कैपिटल आर क्यूब को कॉमन निकाल लो, ये तो कट जाएगा, स्मॉलर बचेगा। कैपिटल आर क्यूब बाहर आ गया, यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर है, तो कैपिटल आर क्यूब बाहर आएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय कैपिटल आर। तो ये आपके पास टर्म आ गई। एक और काम कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लो, ये टर्म आ गई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा, ये जो ये देखो ये क्या है, मास है। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकती हो यहां पर, मास, मास ऑफ बिग ड्रॉप। तो ये आपके पास एनर्जी रिलीज आ गई। ये एनर्जी रिलीज किसके इक्वल है, बड़े ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, वी की वैल्यू आ गई। ये प्रूफ करने को आ सकता है एनसीईआरटी में कि प्रूव करो वेलोसिटी इसके इक्वल है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा, कहीं ना कहीं आंसर है। तो स्टेप समझ में आ रहा है, रूल नंबर वन पहले एन निकाल लिया, रूल नंबर टू एनर्जी रिलीज निकाल ली, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, एन की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करके, बड़े ड्रॉप का मास इज बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसकी जगह मास पुट कर लिया ये रहा, और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। एक ये क्वेश्चन, और ये तो बहुत आता है पेपर में एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। देखो क्वेश्चन है, देखो, इफ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, फिर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, एक फिर से बड़ा ड्रॉप बना दिया, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इस बार छोटा आर कैपिटल आर दोनों गिवन है, शो दैट राइज इन टेम्परेचर। अब वही चीज है, देखो जब छोटे छोटे ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप में बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो एनर्जी रिलीज इस बार क्या करेगी, बड़े ड्रॉप की टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, आपको राइज इन टेम्परेचर बताना है। तो पहले एनर्जी रिलीज निकाल लेते हैं, जैसे पहले निकाल ली, कैसे, पहले वॉल्यूम इक्वेट करो। सबसे पहले वॉल्यूम को इक्वेट किया, एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम, एन छोटे छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा, सरफेस एरिया छोटे छोटे ड्रॉप्स का एन इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बड़े ड्रॉप का फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो चेंज इन एरिया आ गया। चेंज इन एरिया में से फोर पाई को कॉमन निकाल लिया,
ठीक है, यहां से काम किया आर स्क्वायर, देख रहे हो आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, देखो ना आर क्यूब और आर कैंसिल करके आर स्क्वायर ही आएगा वैसे तो ये टर्म आ गई आपके पास। ऐसा इसलिए किया क्योंकि एन आर क्यूब क्या है, कैपिटल आर क्यूब, तो यहां पर क्या पुट किया, कैपिटल आर क्यूब। इसमें से कॉमन निकाल लिया कैपिटल आर क्यूब, तो ये क्या बना वन, और ये क्या बना वन बाय कैपिटल आर, तो ये क्या आ गई एनर्जी रिलीज। अब ये एनर्जी रिलीज बड़े ड्रॉप के लिए एम एस डेल्टा थीटा के इक्वल होगी, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर अगर डेल्टा थीटा है तो एनर्जी रिलीज को इक्वेट करना पड़ेगा फिर एम एस डेल्टा थीटा। पर प्रॉब्लम ये है कि यानी कि इस एनर्जी को हीट एनर्जी के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। अब जो हीट एनर्जी है वो होती है कैलोरीज में, और जो हमने एनर्जी रिलीज निकाली वो होती है जूल्स में, तो पहले यूनिट्स को सेट करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि साफ पता लग रहा है प्रूफ में जे भी आ रहा है, जे का मतलब होता है 4.2 जूल्स इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एनर्जी किसमें कैलकुलेटेड है जूल्स में, इसको जे से डिवाइड कर देंगे तो ये एनर्जी किसमें आ जाएगी, कैलोरीज में। तो जे से डिवाइड करने का मतलब इसका इक्विवेलेंट कैलोरी आ गया। अब इसे इक्वेट करेंगे एम सी डेल्टा थीटा, मास को क्या लिखेंगे, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पानी का ड्रॉप है तो पानी की डेंसिटी सीजीएस में वन होती है, और ये याद रखना अगले चैप्टर में करेंगे करेंगे स्पेसिफिक हीट भी वन होती है, पानी की डेंसिटी भी वन होती है, स्पेसिफिक हीट भी वन होती है, तो वन वन पुट कर दिया, तो इसको और इसको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आपके पास अपने आप डेल्टा थीटा कैन बी कैलकुलेटेड, जो प्रूव करना आंसर आ जाएगा।